नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, जय श्री राम। मैंने एक स्क्रिप्ट भेजी एमसीयू वालों को, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स, ये तो आपको पता है ना, सुपर हीरोज पे फिल्म बनाता है। मैंने बोला भाई, इंडियन अपना ओरिजिनल देसी वाला जब सुपर हीरो है या सुपर विलेन, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, तो आप उस पर इंडिया वाले का सुपर हीरो पे फिल्म क्यों नहीं बना रहे। उन्होंने कहा ओके, स्क्रिप्ट भेजो अभिषेक भाई। मैंने स्क्रिप्ट भेजी द गिरगिट मैन, और जो पहला डायलॉग मैंने बोला है उसमें जो स्क्रिप्ट, वो भी ओरिजिनल है, सदन में बोला गया डायलॉग। तो करना, सब पीछे पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं करना। ये गिरगिट मैन के द्वारा वो ठहाका रावण टाइप की जो हंसी है, वो भी मैंने स्क्रिप्ट में भेजी। फिर इस स्क्रिप्ट में जो गिरगिट वाली स्ट्रेटजी है वो मैंने बताया। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं जी, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। इसका एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई है। तो अगर मैं कोई लूंगा तो लोगों ने, मैं अभी विधानसभा में जब चक्कर लगा रहा था, दायित्व होगा आपको देना, तो मैं लूंगा ही नहीं उनसे। तो वो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब, कईयों ने मेरे को कहा जी आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो हम ला के दिखा देंगे आपको। अब आपको मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट है 7 जून 2013 का, अरविंद केजरीवाल का वो शपथ पत्र जिन्होंने, जिसमें उन्होंने बड़ी 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 बातें लिखी, जिसको लेकर के वो अपने विरोधियों पर निशाना साधते थे, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद वो अपने शपथ पत्र की सारी कसमें भूल गए। अब जरा शपथ पत्र में क्या क्या था, अब जरा एक एक करके वो सुनिए। सबसे पहली घोषणा थी कि वो लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा, हकीकत आप जानते हैं। दूसरी घोषणा थी कि अनावश्यक सुरक्षा नहीं लेंगे, अरविंद केजरीवाल ने साथ, मैं न कोई गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा, हम ये वीआईपी कल्चर के खिलाफ है जी। मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स वाले खुद परेशान हो गए, बोला भाई इतना ओरिजिनल आदमी हो ही नहीं सकता, ये कैरेक्टर कुछ ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। मैंने बोला सुपरमैन बैटमैन से भी ज्यादा गिरगिट वाल फ्रिक्शन लग रहा है क्या। मार्बल सिनेमेटिक यूनिवर्स वालों ने बोला कि भाई इतना तो मेरा ड्राइवर भी हर 2 किलोमीटर पे यूटर्न नहीं मारता जितना ये तुम्हारा गिरगिट मैन मान रहा है, ये नहीं हो पाएगा, इसके आगे तो थैनोस हार जाएगा भाई। हमें हीरोज की टीम बनानी है, अकेला आदमी सब पे भारी पड़ जाए वो नहीं चाहिए, नहीं ये नहीं चलेगा। मैंने बोला भाई डायलॉग्स तो देखो, करना, सब परेशान है, ये भी परेशान है, वो भी परेशान है, करना। उन्होंने बोला भाई डायलॉग बड़ा जबरदस्त है लेकिन फिर भी ये परेशानी है। तो आप समझ गए द गिरगिट मैन अरविंद केजरीवाल, देखिए ये ओरिजिनल हीरो है या ओरिजिनल विलेन ये आप तय करेंगे, लेकिन इस आदमी ने करोड़ों लोगों का काटा है, ये जबरदस्त है। एक आंदोलन से निकलता है, कहता है भाई हम इस घोटाले के खिलाफ हैं, हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, तो क्या करता है, पहले खुद का वीआईपी कल्चर टेस्ट करता है। अच्छा, इसने एक और बात बोली थी, वो मैं वीडियो में सुनवा देता हूं। के अन्ना जी, इस कुर्सी में ही खराबी है, मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इस आंदोलन से जो विकल्प निकले और वो आदमी कुर्सी पे बैठे तो वो तो भ्रष्ट नहीं हो जाएगा जी। यानी इसने अपना रास्ता वहां ही तय बना लिया था कि देखो भाई मेरे अलावे जो भी कुर्सी पे बैठेगा वो तो भ्रष्ट ही होगा। इनफैक्ट सौरभ तो कह भी रहे हैं कि अगर इस देश में, और राघव चड्ढा, अगर इस देश में केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है जी। ये भी ठीक है जी। ये जो कमाल की कारीगरी अरविंद केजरीवाल और इनके टीम के द्वारा की जा रही है, ये कमाल की बात है यार। लाखों रुपए के पर्दे, क्या वो सोने के तारों से बने थे? 90 लाख में लोगों का घर आ जाता है, इनके पर्दे आ रहे हैं, वो भी कोविड टाइम में जब लोग मर रहे हैं। और देखिए कमाल कि इस देश के वो तमाम पत्रकार जो कहते हैं कि राजनीति में, डेमोक्रेसी में जो है चौथा सबसे मजबूत स्तंभ जो है वो जर्नलिज्म है, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता है, निष्पक्ष होना चाहिए। तो निष्पक्ष क्यों नहीं है?
अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मुद्दे पे वीआईपी कल्चर को जिस प्रकार से वीआईपी कल्चर छोड़िए, मुझे लगता है कि देखिए 45 करोड़ का मामला नहीं है। उसने मुश्किल से इस पूरे अपने घर को बनाने में 2 करोड़ खर्ची होंगे, बाकी सब डकार गया होगा। दो चीजें होती है, अगर आपकी गाढ़ी कमाई है, क्योंकि मेहनत की कमाई है ना, तब आप पैसे बचाते हैं, है कि नहीं? अगर आपको यह बात सही लगे जो मैं कहने जा रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके जीवन की गाढ़ी कमाई है तो आप फूक फूक के खर्च करते हैं, लेकिन अगर आपके द्वारा किए गए घोटाले का पैसा है तो आप यहां वहां फालतू में उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिचर उसका दिखाएंगे, और तब जो है जाकर के वो पैसा खर्च हो पाएगा। तो कहीं यही तो मतलब नहीं है अन्ना जी, अन्ना जी कि इस कुर्सी में समस्या है जी? कुर्सी पे जैसे केजरीवाल की यहां भी कोई गलती नहीं है जी, उसने पहले ही बोला था कि सारी प्रॉब्लम कुर्सी का है जी, मैं तो ईमानदार ही आदमी हूं जी, लेकिन इस कुर्सी ने मेरे को भ्रष्ट कर दिया है जी। अब बताइए प्राइम अक्यूज में चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का इन्होंने नाम डाल दिया जी, अब दिल्ली के बच्चे कैसे पढ़ेंगे जी? आपने देखा इस साल का रिजल्ट क्या है? वैसे हम इस पे लगातार मेहनत कर रहे थे जी, तब जाकर के इतना खराब रिजल्ट। वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी हमने तैयार करी थी जी, पता नहीं अतिशी मार लेना आई खड़ाऊ लेकर के सिसोदिया का, और उसने एक्सपोज कर दिया जी सिसोदिया को। अब बताइए, दरअसल अब हमें भी मनीष सिसोदिया की क्या हो सकता है जी? हमने बता दिया है कि उसकी बीवी तो पागल है जी, तो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगी भी कि लीकर स्कैम में केजरीवाल कहाँ थे, तो हम पहले बता देंगे जी कि वो पागल है जी। हैं, आप भाग नहीं सकते हैं जी मुझसे, और मीडिया वालों को पैसे खिला खिला के ठूस ठूस करके मैंने पहले मुंह बंद करा दिया। एक आध मीडिया वाले बोल रहे हैं जी, उनका भी एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से बंद कर देंगे जी। हैं, बाकी हमारे समर्थक है अजीत अंजुम है, वो कालूतो से अपना सत्य हिंदी वाला, फिर वो भी तो है अपना रवीश कुमार, ये सब लोग मिलकर करेंगे जी। हम गए हुए थे जी कि कैसे अपराधियों को छोड़ा जाता है, इस पे रिसर्च करने बिहार हम गए थे, वहां पे नीतीश से मिले हम, तेजस्वी से मिले, और पूछे कि तुमने 27 अपराधियों को आनंद मोहन के बहाने कैसे बाहर निकलवाया जी। उन्होंने बताया लॉ चेंज कर दिया जी, तो सारा खेल लॉ का है जी। अब हमने दारू वाले मामले में भी लॉ ही तो चेंज किया था जी, मोदी सरकार हमें ट्रैप कर रही है जी। अच्छा, ये लोग जब बाहर निकल जा रहे हैं तो मनीष सिसोदिया क्यों नहीं निकलेगा जी? मेन मुद्दा तो यही है, आप समझ रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया आनंद मोहन सिंह बाहर निकल सकते हैं, वो रेप का अक्यूज जो है राजबल्लभ यादव बाहर निकल सकता है जी, तो कुछ पैसे इधर उधर अगर शराब घोटाले में हो भी गए तो हम तो बाहर निकाल ही लेंगे जी, नया कानून बनवाएंगे जी, सदन से पारित करवाएंगे जी, मोदी कब तक हमें रोकेगा जी? ये तमाम चीजें इस बात पर डिस्कशन होना चाहिए जी, सदन में बहस होनी चाहिए। पढ़ा लिखा पीएम होने का मतलब होता कि खुद भी घोटाला कर रहे तो हमको भी कर रहे तो सबको करेंगे, जैसे मनमोहन सिंह के समय हुआ था जी। आज 2G भी हुआ, 3G भी हुआ, ये जी भी हुआ, वो जी भी हुआ, लो जी भी हुआ, सबने किया, सबने बराबर माल पचाया जी। आप देखो, मैं उदाहरण देता हूं, इस देश के वित्त मंत्री ने अपने गमले में गोभी उगाए जी, लाखों रुपए के, 45-45 लाख रुपए के गोभी थे जी। तो उसी तर्ज पे शरद पवार की बेटी ने भी अपने घर में बैगन उगाए जी। समानता का अधिकार, डेमोक्रेसी क्या देता है? समानता का अधिकार देता है ना जी। और आप बताइए, जो ये मामा है वहां के शिवराज सिंह चौहान, उनके घर बने तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे बन गए तो दिक्कत है जी। इस प्रकार की बातें हम आम आदमी पार्टी वालों से करवाएंगे जी। लेकिन अभिषेक तिवारी सवाल पूछ रहा है कि ये लोग ये नारा देके नहीं आए थे आंदोलन में कि हम सब बदल देंगे, हम नई राजनीति करेंगे, हम कट्टर ईमानदार की राजनीति करेंगे, अब क्या हुआ अरविंद केजरीवाल? ये तमाम चीजें हैं जो सवाल पूछने चाहिए हमको, आपको, सबको मिलके, कि ये कौन सी राजनीति चल रही है इस देश में? कितने यू टर्न मारोगे? गिरगिट मैन को सलाम। उम्मीद करूंगा किसी डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की इस कंटेंट पे नजर पड़े और द गिरगिट मैन, रियल इंडियन सुपर हीरो ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वो बनाए इस पे एक शो। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। द अभिषेक तिवारी शो के ओपिनियन पोल और पॉलिटिकल एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगते हैं हर स्टेट के, और आप चाहते हैं कि 2024 तक हम सभी के एक्यूरेट पोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीम बना करके लोगों को तक भेज पाए, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़,
तो हमें सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। मैं बार बार विनती कर रहा हूं आपसे, आप लोग जो सक्षम लोग हैं वो जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय श्री राम।